Now it is mentioned that bottle one contains mixture of milk and water in the ratio of 7:2. इस क्वेश्चन को हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लेना चाहिए. मिल्क और वाटर 7:2 के रेशियो में, इसका मतलब बॉटल वन की बात करते हैं, बॉटल वन की बात करते हैं. या तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सोचिए या वाटर का सोचिए. मिल्क वाटर 7:2 का रेशियो है, मतलब 7 पार्ट्स मिल्क है, 2 पार्ट वाटर है. मतलब समझो मिल्क के ऊपर अगर मैं करता हूं तो 9 में से 7 पार्ट्स मिल्क है. एंड बॉटल टू के लिए अगर देखते हैं सेम मिल्क की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन, तो मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 9:4. मतलब 9 पार्ट्स मिल्क है, 4 पार्ट वाटर है. मतलब 13 में से 9 पार्ट मिल्क है. तो बॉटल वन में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 7:9 है, बॉटल टू में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 9:13 है. नाउ दे आर आस्किंग मी व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द लिक्विड्स इन बॉटल वन एंड बॉटल टू. वो बोल रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन को और इस कॉन्सेंट्रेशन को किस रेशियो में लिया जाए, सो दैट जो इनके बाद इसको और इसको मिक्स करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन मिले उसमें क्या होना चाहिए. तो दैट फाइनल मिक्सचर शुड ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1. मतलब उस फाइनल में इसको और इसको मिक्स करने के बाद मिल्क 3 पार्ट्स हो और वाटर 1 पार्ट हो. मतलब 4 में से 3 हिस्से मिल्क के हो. अब इस कॉन्सेंट्रेशन को इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि ये मिल जाए, ये आपका क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको रेशियो ऑफ क्वांटिटी लेने के लिए क्रॉस डिफरेंस लेना जरूरी होता है. ठीक है, आपने बेसिक्स में ये पढ़ा होगा कभी. तो क्रॉस में लेंगे तो आपको रेशियो ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा बॉटल वन बॉटल टू की. तो समझो अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो दिस विल बी व्हाट 3:4 बड़ा है इससे. सो 3:4 माइनस 9:13, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस. डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. 7:9 माइनस 3:4, इसलिए बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो ये आ रहा है 39 माइनस 9:4 36 अपॉन 13:4 52 2. ये बॉटल वन की क्वांटिटी. बॉटल टू 4:7 28 माइनस 9:3 27, मतलब 1:28 माइनस 27 माइनस 9:4 36. सो इसकी और इसकी क्वांटिटी का रेशियो आना चाहिए 3:52:1:36. या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 इधर भेज देते, 3:36:52. 2 से कैंसिल या 4 से कैंसिल कर सकते हो. 4 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 9:9:3:27. 4 से कैंसिल करोगे तो 13. सो फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी 27:13. आंसर इज 27:13.